कि साल में 5-6 बंदे तो हम देखते हैं, लड़के, यंग एज के लड़के जो कि इस बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं। सिर्फ सिरसा शहर में जो ये साइकिल के मैराथन रेस महिलाओं और पुरुषों की गई है, इसमें मेन हमारा मुद्दा है कि नशे से बचें, अपने परिवार में, घर में, स्कूल में जो भी इनके बच्चे हैं और जो भी बड़े हैं वो सब नशे से दूर रहें। हमारा यही संदेश था, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, इसलिए हमने इस मैराथन रेस का आयोजन करवाया है और हम चाहते हैं कि सिरसा में नशे पर रोकथाम हो। क्या इस तरह कोई जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से किया जाएगी जिला स्तर पर अलग अलग? हाँ, हमने बहुत सारी टीमें बनाई हुई हैं जो ब्लॉक लेवल पे, थाने लेवल पे जाके लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को बीच बीच में हमारे मोबाइल नंबर जो हैं इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमने जारी कर रखे हैं, हमें कोई भी इस पर गुप्त सूचना दे सकता है, उसका नाम हम गुप्त रखते हैं और हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें लोगों को नशे के प्रति इसके होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है परिवार पर, समाज पर और स्वयं खुद पर, उसके प्रति जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैंने साइकिलिंग में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले कभी साइकिल नहीं की, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने की थी, मैंने अपना बैच दिया। मैं वैसे जूडो करती हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा मेरी कोच, जूडो कोच अर्चना मैम। जो ये गोल्ड जिम के द्वारा जो इवेंट करवाया गया है जो साइकिलिंग का, एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें जो यूथ हैं वो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं ताकि जो स्पोर्ट्स लाइन के अंदर आ जाता है वो अपने देश और समाज को साथ लेकर चलता है। तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो नशे की तरफ जाए,
तो ये एक अच्छा प्रयास था इनका नशे को दूर करने के लिए, एक संदेश देने के लिए, युवाओं को फिटनेस से जोड़ने के लिए। तो इनका गोल्ड जिम का धन्यवाद करते हैं हम सभी। आप कितने नंबर पे हैं सर? हम नॉन मेंबर में थे, फर्स्ट पोजीशन आई है साइकिलिंग में। इससे आपको एक तो इतना लोगों का आशीर्वाद और जो पार्टिसिपेंट इतने लोगों ने किया, लगभग फिगर 300 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ड्रग फ्री एक मतलब एक नशों से मुक्ति दिलाने का आज इन्होंने काम किया, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शहर के अंदर नशा मुक्ति के विरुद्ध एक हमने साइकिलिंग मैराथन का प्रोग्राम रखा है गोल्ड जिम की तरफ से। इसमें प्रशासन का भी काफ़ी साथ रहा और इसमें जो स्पॉन्सर्स भी हैं इसमें और साइकिलिस्ट में जो फ्री दे रहे हैं, मतलब पहले दो कंसेप्ट, दो मेल के अंदर और दो फीमेल के अंदर, उनको साइकिल फ्री दे रहे हैं। जो फर्स्ट और सेकंड आएगा उनको साइकिल दे रहे हैं। हाँ, नशे को लेकर थीम रखी गई थी। नशे के विरुद्ध नशे के पीछे लोगों को जागरूकता मिला कि नशा छोड़ के अपने शरीर की तरफ ध्यान दे। लोग यहाँ करीबन 250 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फीमेल्स और मेल्स दोनों मिला के। फीमेल्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना एंथू दिखाया, जो हमें उम्मीद से परे था। मतलब शहर के अंदर लड़कियां भी बहुत आगे निकल रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है देखने वाली। फर्स्ट विनर अभी मेरे को नाम नहीं पता, अभी फीमेल आई है, शिवानी है, और बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छे टाइम में 20 मिनट के अंदर इन्होंने अपना पूरा मैराथन का पूरा राउंड पूरा कर दिया।